हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब किंग में। और आज हम फिर से एक GSI इंस्टॉल करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने इंस्टॉल किया था लीनेज OS, नाउ दिस टाइम हम इंस्टॉल करेंगे कौन सा था, हाँ ब्लेस, ये भी एटेनिटेशन ने बनाया है। तो ये हम जा रहे हैं रिकवरी में, ये हमारा रिकवरी आ गया है TWRP। नाउ फर्स्ट स्टेप आपको पता होगा, वाइप डाटा और डेल्विक सिस्टम रूट कैशे डाटा एंड इंटरनल स्टोरेज, और ये हम स्वाइप कर देंगे। इसको आप ध्यान से स्वाइप करिएगा, कोई दूसरी चीज ना स्वाइप कर दो। ये हमारा हो गया। नाउ अब हम प्रेस करेंगे होम बटन, अब आ गए हम होम पे। हम रिबूट टू रिकवरी, डू नॉट इंस्टॉल, ये हमारा फिर से बूट हो रहा है, फिर से खुला। और ये स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन। नाउ अब माउंट वेंडर, वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा वेंडर माउंट हो गया। अब इंस्टॉल करेंगे GSI। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर आपके पास डी कार्ड ना हो, USB ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं OTG के साथ। OTG का हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये आ गया हमारा नाम। इंस्टॉल इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये है हमारा ब्लेस। लास्ट टाइम इसे हमने इंस्टॉल किया था लीनेज OS, ये है हमारा ब्लेस बाय एटर्निटी सन। इसमें लेटेस्ट पैचेस है और ये रिलीज हुआ था 28 फरवरी। थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ 8 times। एक दो मिनट लगाएगा ना, वही हमारा हो गया। गो टू होम, वाइप, एडवांस वाइप, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सिस्टम रूट को, वेंडर नहीं सिस्टम रूट को। ना हम चेंज और रिपेयर और चेंज फाइल सिस्टम पर क्लिक करेंगे, और पहले तो हम रिपेयर करेंगे फाइल सिस्टम को, स्वाइप करेंगे, और ये हमारा रिपेयर हो गया ना। और रिसाइज करेंगे, इसको भी स्वाइप करेंगे, और ये हमारा ये भी हो गया रिसाइजिंग ना। हम होम पे जाएंगे और अब फॉर्मेट डाटा करेंगे। वाइप फॉर्मेट डाटा, यहाँ पे इंटर करेंगे YES, यस YES, और टिक पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा हो रहा है डाटा वाइप। F2FS, होम पे जाएंगे, रिबूट टू सिस्टम, डू नॉट इंस्टॉल ना। अब ये 2 मिनट लगाएगा, तो हम इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ये हमारा आ रहा है ब्लेस रोम्स, ये हमारा ओपन हो गया है। ये सेम लाइनेज OS की तरह ही है, बट इसमें और ज़्यादा कस्टमाइजेशंस हैं, इसमें थोड़ा कम ऐप्स हैं, जिससे कि और लाइट है इससे। ऐसे लिनक्स शोइंग परमिसिव, हाँ तो एक चीज़ मैं भूल गया बताना, इसमें परमिसिव की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एटर्निटी सन के जो भी GSIs हैं उनमें ये नहीं लगता, पर जो एम्बर GSI बनाते हैं उनके में परमिसिव लगेगा ही लगेगा।
नाउ आप देख सकते हैं वर्जन 11 ब्लेस वर्जन ऐसे लिनक्स स्टेटस परमिशन। आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इसे एनफोर्सिंग कर सकते हैं। वेंडर सिक्योरिटी पैच लेवल दिसंबर का है। यह है ब्लेसिफाई और यहाँ पे है ढेर सारे फीचर्स। स्टेटस पार्ट्स में सो लोगो नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर। हाँ तो ये बग है नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर, उसमें सही से आता नहीं, डॉट डॉट हो जाता है या तो कभी कभी जो बैटरी वाले आइकन है उसी पे चढ़ जाता है। ये हमारा एनिमेशंस, ये हमारा बटन्स, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। और ये हमारा नीचे PHH ट्रेबल सेटिंग्स, गेस्चर हम चेंज कर सकते हैं, बटन्स, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं। बैक देख सकते हैं कितना स्मूथ है ये, और इसमें भी उल्टी ऑल द टाइम वर्क करता है बट इसमें सिंबल या फिर आइकन नहीं आता, सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मैं आपको मिलूंगा इसकी अगली वीडियो में। गुड बाय।